कि अंधेरे को जो रास्ता दिखाए, अंधेरे में जो रास्ता दिखाए, अंधेरे में जो रास्ता दिखाए, खुद जले और जग रोशन कर जाए। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दीपक और अभी मैं आपके सामने छोटी छोटी सी चार पांच कविताएं और दो तीन शेर कहूँगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटा सा कवि हूँ। जहाँ अच्छी लगे दिल खोल के तालियां बजाना, कंजूसी मत करना। तो पहला मेरा विषय, मैं मानता हूँ कि सब मानते हैं कि समय बहुत कीमती होता है और मेरे साथ तो रहा है ऐसा कि मैंने कुछ समय मिला नहीं, कुछ समय मैंने बेकार कर दिया। खुद का समय निर्धारित भी कर रहा था कि 35 साल से ज़्यादा ज़िंदगी चाहिए नहीं, उसके बाद भगवान दे तो कोई गम नहीं। तो पहली कविता समय को थोड़ा ध्यान से सुनने की लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर समय समय का ध्यान रख, हर समय समय का ध्यान रख, बदलते वक्त को वक्त से पहले थाम रख, बदलते वक्त को वक्त से पहले थाम रख। और इस घड़ी घड़ी बदलते जमाने में, और इस घड़ी घड़ी बदलते जमाने में पैरों को थोड़ा संभाल रख, खुद को थोड़ा खींच पर अपनी रफ्तार पर लगाम रख। और आखिरी पंक्तियां बहुत जरूरी हैं कि खुद को थोड़ा खींच और अपनी रफ्तार पर लगाम रख, सरेआम हर बाजार में खुद को नीलाम रख, सरेआम हर बाजार में खुद को नीलाम रख, पर खरीद ना सके कोई तुझको ऐसा अपना कुछ मुकाम रख। तो समय बहुत कीमती और समय को अच्छे से निभाना चाहिए। अब प्यार की सब बात करते हैं और प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है और ये तो हमारी सभ्यता ने हमें सिखाया है, संस्कृति। आज तो फिर प्यार पे बहुत प्रतिबंध है, कभी गंधर्व विवाह होते थे पूरे जोर शोर से। तो प्यार पे तीन स्तर मैंने देखे हैं जो एक कवि की निगाह से, छोटा सा कवि हूँ पर एक निगाह से मैंने तीन तरह के स्तर होते हैं प्यार के, तो मैं उन तीन स्तरों की कविता में पिरोया है। पहला स्तर होता है जब कोई प्रेमी या प्रेमिका किसको पसंद करता है और उसको फिर क्या कहता है वो, कि पहला नशा चढ़ा खुमार, पहली बार जब मुझे हुआ पहला प्यार, पहली बार जब उसे मैंने देखा ऐसा लगा मानो बदल गए मेरी किस्मत की रेखा, पहली बार जब उसे मैंने देखा ऐसा लगा मानो बदल गई किस्मत की रेखा, ना लॉटरी लगी ना खजाना मिला पर किसी पे मर मिटने का बहाना मिला, ना लॉटरी लगी ना खजाना मिला पर किसी पे मर मिटने का बहाना मिला, दिल मेरा बेकरार हुआ पूरी रात उसके हंसी मुखड़े का दीदार हुआ, दिल मेरा बेकरार हुआ पूरी रात उस हंसी मुखड़े का दीदार हुआ, और बोर हुई रवि आया, ध्यान देना, बोर हुई रवि आया, मैंने भी अपना एक लक्ष्य बनाया, आज फिर उसकी गली में जाना है, यारों से पूरा बायोडाटा फिल करवाना है। तो ये पहला स्तर है प्यार का, जब जानना होता है, पसंद होती है, फिर धीरे धीरे प्यार आगे बढ़ता है। तो दूसरे स्तर की जो कविता थी वो मिली नहीं मेरे को, पर उसके लिए एक शेर उसका जो दूसरा स्तर होता है, आगे बढ़ता है प्यार और एक दूसरे को जानते हैं तो वो क्या कहते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं जो स्वाभाविक होती है, बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। तो कुछ ऐसी बातें कहते हैं वो कि चुलबुली सी तेरी बातें, एक शेर है छोटा सा कि चुलबुली सी तेरी बातें नटखट सी तेरी अदा है, चुलबुली सी तेरी बातें नटखट सी तेरी अदा है, अलग सा तेरा नाम अजीब सी तू बला है। तो फिर तीसरा स्तर आता है जो बहुत महत्वपूर्ण स्तर होता है, जिसको हम वियोग कह देते हैं, विरह होता है, और ये ना हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कीबोर्ड वाले जब हमारे फ़ोन होते थे तब भी मैसेज में बहुत आता था कि ना तो हीर को रांझा मिला, ना मिर्जा को साहिबा मिली, ना शशि को वो, तो वो होना ज़रूरी है। तो उसका बड़ा एग्जांपल कि राधा और कृष्ण नहीं मिला ऐसा बोल दिया जाता है, तो तब क्या कहते हैं लोग कि यादें तेरी मुझे सोने ना दे, गम में भी दिल रोने ना दे, यादें तेरी मुझे सोने ना दे और गम में भी दिल रोने ना दे, आंसू मेरे आंखें नम होने ना दे, मतलब रोना चाहता है पर आंसू निकल ही नहीं रहे, आंसू मेरे आंखें नम होने ना दे और मुझे मुझमें ही खोने ना दे, मुझे मुझमें ही खोने ना दे, आखिरी पंक्ति ध्यान देना कि मुझे मुझमें ही खोने ना दे, खुद तू मेरी होती नहीं और मुझे सरबतला होने ना दे। तो ये प्यार के तीन स्तर थे। अब आखिरी कविता लेके विराम चाहूँगा कि उससे पहले एक शेर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी कभी
कभी कभी बीती बातों को पीछे छोड़ आगे बढ़ना अच्छा होता है, कभी कभी बीती बातों को पीछे छोड़ आगे बढ़ना अच्छा होता है, कभी कभी जो नहीं करना चाहिए वही करना अच्छा होता है। तो एक आखिरी कविता सोच, जो एक तरह से मेरा खुद का संक्षिप्त विवरण है, बस और कुछ नहीं, छोटी सी कविता है। अगर आपको लगे वैसा होना चाहिए इंसान में तो तालियां बजा दीजिएगा कि सोच मेरी सकारात्मक है, सोच मेरी सकारात्मक है, थोड़ी भावनात्मक है, सर से लेकर पैरों तक आध्यात्मक है। सोच मेरी सकारात्मक है, थोड़ी भावनात्मक है, सर से लेकर पैरों तक आध्यात्मक है, डरता नहीं, पैर में पीछे रखता नहीं, एक बार जवान दे दी फिर सोचने का सवाल ही नहीं, डरता नहीं, पैर में पीछे रखता नहीं, एक बार जवान दे दी फिर सोचने का सवाल ही नहीं, करता मैं इज्जत हर इज्जतदार की, करता मैं इज्जत हर इज्जतदार की, या उस वीर शहीद जवान की जो बॉर्डर पे खड़ा करता रक्षा हमारी जान की, करता मैं इज्जत हर इंसान की, या उस वीर शहीद जवान की जो बॉर्डर पे खड़ा करता रक्षा हमारी जान की, हर इंसान की मेरे तिरंगे की शान की। और आखिरी पंक्ति पे आपकी ताली चाहूंगा कि हर इंसान की मेरे तिरंगे की शान की और मुझे जान से ज्यादा प्यारी इज्जत मेरे प्यारे हिंदुस्तान की, इज्जत मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।